प्यारे बच्चों, मेरा आज का जो टॉपिक है डेलिकेट बिहेवियर। ये डेलिकेट बिहेवियर क्या होता है कि जब भी बच्चा अपनी ग्रोइंग एज में एक जुबिनाइल से एडल्ट की तरफ जाता है, लगभग 15 to 18 years के बीच में, 15 से 18 साल के एज के बीच में जब बच्चा होता है, तो उसके बिहेवियर में बहुत सी चेंजेस आती हैं जो वो अपनी फैमिली में देखता है, या आगे पीछे का माहौल देखता है, या टीवी में कोई ऐसी चीज़ देखता है, तो वो वही कोशिश करता है वही कुछ करने के लिए। तो ये जो ये नेगेटिव थिंकिंग जो होती है उसके अंदर उसके दिमाग में ज़्यादा आती है। तो इसलिए उसने टीवी में कोई ऐसा सीरियल देख लिया, कोई ऐसी पिक्चर मूवी देख ली जो बड़ी क्रिमिनल किस्म की हो, जिसमें बड़ा क्राइम किया हो, तो बच्चे का भी मन करता है कि मैं ऐसे ऐसे करूँ, ऐसे एक्टिंग करूँ, तो वो ऐसे ही करने लगता है। और होता क्या है अल्टीमेटली कि उसका जो बिहेवियर है वो बड़ा क्रिमिनल टाइप जैसा हो जाता है। तो इसका एक मेन जो मुख्य कारण ये है कि एक तो ये मूवी वगैरह देखना और टीवी वगैरह देखना, इससे उसका जो बिहेवियर है वो प्रभावित होता है। दूसरा ये है कि जो हमारी फैमिली का साइज है, जहाँ पुअर पेरेंटिंग स्किल्स हैं, जो हम उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको पालन पोषण करने के लिए बड़ी इतना वो कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे ही बच्चों को रख देते हैं। जहाँ होम डिस्कार्ड, एक इसका मेन कारण ये भी है, होम डिस्कार्ड जो अंतर्कलह होती है, जो हमारी फैमिलीज में घरों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी बच्चे देखते हैं, इनका भी बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इनके साथ होता है चाइल्ड माल ट्रीटमेंट होता है कि बच्चों के साथ भेदभाव करना, एक बच्चे को अच्छा खाना देना, अच्छा लाना, अच्छा सब कुछ देना और दूसरे को नहीं देना, उससे भी बच्चे के दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। इससे उसका जो दिमाग है वो थोड़ा क्रिमिनल टाइप का हो जाता है, वो रिवेंज लेने के लिए थोड़ा तत्पर रहता है। तो यही कारण है कि वो जब अपने एडल्ट एज में पहुंचता है तो वो उसका जो बिहेवियर है वो क्रिमिनल हो जाता है, डिलीक्वेंट हो जाता है। थैंक यू। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी फैमिली जो है वो छोटी हो रही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम वो खत्म हो रहा है, हमारी फैमिली सिंगल पेरेंट फैमिली भी होती है, उसमें भी बच्चे जो होते हैं वो बड़े अजीब किस्म के बिहेवियर करते हैं। तो इसकी रेमेडीज क्या है, हम प्रश्न ये उठता है कि इसकी रेमेडीज क्या है, इससे हम कैसा अपने बच्चों को छुटकारा पा दे सकते हैं इस बिहेवियर से। तो इसका ये है कि मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, अगर हम किसी बच्चे को ऐसा देखते हैं कोई ऐसा क्रिमिनल टाइप का बिहेवियर कर रहा है, अजीब किस्म का बिहेवियर कर रहा है, तो पहले तो उसकी काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। दूसरा, अगर वो काउंसलिंग से नहीं ठीक हो रहा है तो फिर उसको डॉक्टर के दिखाने के लिए ले जाना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, ताकि वो उसकी जो ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो सके। अब मैं इसका थोड़े से आपको टाइप्स ऑफ डेलिक्वेंसी जो बताता हूँ कि एक तो होता है कि कोई बच्चा हम देखते हैं अपने आस पास कोई अजीब किस्म का चिल्ला रहा है, या ऐसे ही दौड़ रनिंग कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, या कोई बच्चा अपने काम से बड़ा भाग रहा है, जो उसको पढ़ाई करनी चाहिए उसको पढ़ाई का ध्यान देना चाहिए उसकी तरफ नहीं जा रहा है, या कई बच्चे हम देखते हैं अंडर एज स्मोकिंग, छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक डेलिक्वेंसी ही है। जहाँ कुछ बच्चे ऐसे अंडर एज ड्रिंकिंग भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे ड्रिंकिंग करते हैं, तो वो क्या क्यों होता है ऐसा, वो ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो बच्चों के मन में भी यही ख्याल आता है कि हम ये करें, हम भी ऐसा करें तो हम कैसे दिखेंगे, हम भी ऐसा दिखेंगे, तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी रेमेडियल मेजर्स ये हैं कि सबसे पहले हमें अपनी फैमिली जो हैं उनको अच्छी तरह सेटअप करके रखना चाहिए, घर में कोई ऐसी अनलॉफुल बात नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़े। थैंक यू।